पर डालेंगे और इसके लिए और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे, जागरूक करेंगे अपने अड़ोसियों को, पड़ोसियों के वो बच्चे जो यहाँ नहीं पढ़ते हैं, इस स्कूल में नहीं पढ़ते, दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, तो उन बच्चों से भी इस बारे में बात करेंगे कि हमारे यहाँ ग्रीन आर्मी का गठन हुआ है जिसका ये काम है स्वच्छता रखना, सफाई रखना और पर्यावरण की सुरक्षा करना। पर्यावरण की सुरक्षा से मतलब होता है कि ये जो हमारे आस पास का चारों ओर का वातावरण, पर्यावरण होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि प्लस आवरण, यानी वो आवरण जो हमें चारों ओर से ढके हुए हैं, चाहे वो वायु हो, हवा हो हमारी, और हमारे चारों ओर की तरह हमारे चारों ओर जो भी चीजें हमारे चारों ओर है उन सब का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो हमें अपने आप को स्वच्छ रखने के साथ साथ, अगर हम खुद स्वच्छ हैं पर हमारा पर्यावरण स्वच्छ नहीं है, अगर हमारे विद्यालय में गंदगी है तो हम चाहे जितने साफ सुथरे होकर के आए, हमें उस गंदगी की वजह से परेशानी होगी और हम रोग से के शिकार हो जाएंगे, यानी हम बीमार हो जाएंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले हम विद्यालय को साफ रखेंगे और घर को साफ रखेंगे, पर्यावरण की रक्षा करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हमें ऊर्जा बचानी है, पेड़ पौधों की को लगाना है, पेड़ पौधे कटेना, उनकी रक्षा करना है, पेड़ लगाने के बाद उसे भूलना नहीं है, उसे पानी देना है, खाद देना है, उसको बड़े होते हुए देखना है, उससे दोस्ती करनी है, और हर बच्चा दो दो पेड़ को अपने अंडर में ले ले, स्कूल में भी लगाए और अपने घर के बाहर भी लगाए और स्वच्छ वातावरण बनाए। ये सारे बच्चे जहाँ पर भी रखती है पेड़ लगेगा, ये बच्चे जाएंगे, लगाएंगे, हम जाएंगे और उसकी रक्षा करेंगे, जानवरों से उसे बचाएंगे, गंदगी दूर रखेंगे, अपने घरों को स्वच्छ रखेंगे। और पानी के लिए भी बहुत, पानी भी एक बहुत बड़ा पर्यावरण की वो है, हमारी रक्षा करने के लिए बहुत अनमोल है, इसके लिए भी बचत करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि पानी व्यर्थ ना किया जाए, पानी बचाया जाए। बाकी लाइट पंखे नहीं चलाना, फ्रिज का दरवाजा ज्यादा देर तक खोल के नहीं रखना है, और शौचालय का इस्तेमाल करना है। यहाँ वहाँ कहीं भी कोई जैसे डरते बच्चे यहाँ वहाँ कहीं भी जा रहे हैं तो कहीं पर भी आपको टॉयलेट नहीं करना है, सारे बच्चे ये आदत डालें और यूज करने के बाद शौचालय पानी जरूर डालें, इससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा, क्योंकि अगर हम स्वच्छता बना के रखेंगे तभी हम स्वस्थ और निरोगी रहेंगे। इसके लिए सप्ताह है छोटी सी जो कि कोई भी आप लोगों को पढ़ाएगी।